तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमको सताते हैं। इससे तुम उस पिता की संतान बन जाओगे जो स्वर्ग में है। वह अपना सूर्य बुराई और अच्छाई दोनों पर डालता है और न्यायी व अन्यायी दोनों पर अपनी वर्षा करता है। इसलिए उस परमेश्वर पर विश्वास करो। एक बार आकर उस परम पिता यीशु मसीह की ब्लेसिंग लेकर जाएं। प्रभु की यह ब्लेसिंग हर रविवार सिर्फ आप सभी की चंगाई के लिए सेक्टर 23 बाल भवन में पैगंबर गजेंद्र सिंह शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम था आपको और उसके बाद क्या लेकर गए आप यहाँ से? पे जी मैंने नोट पढ़ने लिया तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता। आशीष दे। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आज जिंदगी बख्श रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। क्या नाम है बहन आपका? क्या प्रॉब्लम थी बताएं आप? आगे आए, आगे आए, शर्माई नहीं, आगे आए। ये बहन बेचारी रो रही है स्टेज के ऊपर आके, इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया, लेकिन ये यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी। पहले करते थे विश्वास? सच सच बताना, नहीं करते थे? कभी नहीं करते थे? किसने बताया आपको यीशु के बारे में? आपकी ननंद ने? कहाँ है वो? हालेलुया। देख सकते हैं, ये कह रही कि मैं यीशु के नाम को भी नहीं जानती थी, ना मैं लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं अनॉइंटिंग साल्ट एंड वाटर लेकर गई, मैंने लिया और उसके बाद क्या हुआ? बोलती है मेरे सिर में से रसोली ट्यूमर जैसी रसोली गायब हो चुकी है। हालेलुया। अगर आज आप इसकी खुशी में, इसकी गवाही में ताली बजा रहे हैं तो आपके घर से बीमारी जा रही है। हालेलुया। अगर कोई बीमार है वो आजाद हो रहा है। हालेलुया। लेकिन इस बहन के आंसू सबूत दे रहे हैं, देख सकते हैं आगे आकर कि ये बहन रो रही है और ये रो रो के अपनी गवाही दे रही है कि मैं यीशु को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन मालूम है एक व्यक्ति को कि जब किसी को गांठ या ट्यूमर हो जाए तो उसको मालूम है कि उसकी जिंदगी थी नाम में। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते थे उस आदमी को? नहीं, कभी नहीं जानते। खुद ही बहुत बहुत करते हैं, बहुत बत्ती से इलाज कराया। ये बहन रो रो कर गवाही दे रही है, बोल रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में बच्चा भी, आपने बच्चा मांगा वैसे किसी से, दिया किसी ने, गोद भी नहीं दिया, कोई भी बंदा, कोई भैन भाई भी बंदा से, भाई भी बंदा से, जितने बैठे ने वो सारे दे देंगे। ये बहन बोल रही है कि मैंने हन्ना की तरह पुकारा और परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाई, प्रार्थनाएं किया,
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अनॉइंटिंग साल्ट एंड वाटर तो सिर्फ एक वाचा है परमेश्वर की। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो बोल रहा है कि उसने अलीशा को कहा, उसने कहा, अलीशा ने लोगों को कहा कि अगर किसी के ऊपर से बंधन नहीं टूट रहा है, जाओ आज एक नया प्याला मेरे पास ले आओ, मैं इसमें नमक मिलाऊंगा और आज आपके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया! लेकिन मेन कारण क्या है इसको आशीष मिलने का या लोगों को आशीष मिलने का कि ये हन्ना की तरह गिड़गिड़ाई। आपका जीवन परमेश्वर के सामने प्रार्थना का जीवन जब होगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा। हालेलुया! लटकाने की कोशिश की कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, और मेरे 32 में बहुत इलाज चला, मैंने उम्मीद बिल्कुल खो दी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। परमेश्वर ने कैसे भी मेरी गोद भरी, उसका धन्यवाद करती मैं लाख करोड़ों भरी। हालेलुया! 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 ये बहन बोल रही है कि हम लोगों को बोल रहे थे कि हमें अपना बच्चा गोद दे दो, हम फार्म जमा करा रहे थे कि बच्चा दे दो, लेकिन ये बहन बोल रही है कि मैंने जैसे ही यीशु मसीह का अनॉइंटिंग साल्ट एंड वाटर और साल्ट एंड वाटर लिया, उसी समय क्या हो गया, घर पर ही एक आदमी आकर बोलता है कि आप मेरे बच्चे को गोद ले सकते हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर है और अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो ऐसे काम करता है। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया! एक गवाही और है मेरे पास, मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने भी अब तक नहीं सुना है ना देखा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज यीशु मसीह ऐसा चमत्कार करने के लिए जा रहा है आपके जीवन में। आमीन! हालेलुया! क्या बताया था उसने, क्या बताया था? दिल में छेद थे, दो सुराख थे और उसके बाद चेक कराया आपने, क्या हुआ, बंद हो गया? फट गया। बोल रही है दोनों सुराख बंद हो गए यीशु मसीह के सहारे। ताली बजाएंगे जोर से, इतने खुश है। हालेलुया! और इनके अकाउंट में 2200 रुपए आए हैं, मिरेकल मनी। हालेलुया! 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 क्या हुआ, 2200 रुपए कौन डाल गया? हालेलुया! बोल रहा था कि आपके घर में, आपके परिवार में मिरेकल होने के लिए जा रहा है। अगर आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके बच्चों की पढ़ाई में इस महीने में नए नए चमत्कार होंगे, और ये बता रही है कि मेरी, आपको बता रहा हूँ कि ये कोई नीचे गवाही में लिख रही थी, पेज पर लिखा हुआ था, आपके घर के वाले किसी ने निकाल दिया था, घर से किसी ने निकाला, आप ही हो बेटा? ये बोल रही है कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। ध्यान से सुना इस गवाही को कि किस लिए, कि तू यीशु को मानती है, लेकिन आप देखें इसके दोनों सुराख बंद हुए और इसके साथ क्या हुआ, जिस दिन घर से निकली है पैसा नहीं था, 2200 रुपया इसके बैंक में परमेश्वर ने डाल दिया। परमेश्वर अगर चंगा करता है तो आपके खाने का भी जुगाड़ करता है, वो इंतजाम करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को जानते हैं, वो बोलते हैं उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया! यीशु प्रबंध करने वाला, वो प्रबंध करना जानता है। इस माँ के ऊपर दया किया उसने। ताली बजाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! पहले जानते थे आप यीशु मसीह को आपके घर में? तो बता, किसने बताया था? पड़ोसी को। पड़ोसी ने। हालेलुया! हालेलुया! क्या ये डेड हो गया, इसको ले जाओ, आपके सामने है गवाही, डेड हो गया है। और इनको किसी ने बताया कि आप PBS मिनिस्ट्री में आप फोन करें, इसने फोन किया और उसी समय ये अनॉइंटिंग वाटर डाला, उसके मुंह में डाला और उसी समय क्या हुआ, वो जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम पे। ये कहाँ रहते हो आप? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ जी, बत्ती जो लेके रहा था रात सुहाने के, जब जवाब दे दिया और उसी समय जब इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर डाला, उसी समय उसको सांस वापिस आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! 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 ये परमेश्वर है। पहले जानते थे प्रभु को? मेरे ननद नहीं, आपका हस्बैंड, आप नहीं जानते थे प्रभु को? नहीं जानते थे आप? मैं यही पूछ रहा हूँ। हालेलुया! हालेलुया! ये परमेश्वर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर किसी को कोई जवाब भी दे दे,
अगर कोई मर भी जाए तो भी यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। आपके सामने है गवाही है, ये परमेश्वर है। अगर आप यीशु मसीह में हो, कौन है आपके साथ? अगर आप यीशु मसीह में ना आते या कोई पानी ना लेके जाते, आपको उम्मीद थी वो बच जाए? नहीं जी, बिल्कुल डेड हो गए से ना, ते हुन होश आ गया, उन्होंने बिल्कुल ठीक हो गए। क्या क्या डाला आपने उनको? हमने प्रार्थना की है, प्रे करी उनके लिए। हाँ जी, फोन ते करी सी ते पानी। हाँ आज ले पानी नहीं डाला, प्रार्थना कराई थी फोन पे, प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के फोन पे, प्रेयर टावर पे। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इसने जब प्रेयर टावर में प्रार्थना कराई, उसी समय बहन बता रही है कि डेड केस था, जिंदा हो गया यीशु मसीह का। सारे बोले हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि ये परमेश्वर है और यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। हालेलुया। एक बहन बोल रही थी कि मैं एक जगह स्टेज पर जा रहा था, मैं बोल रहा था कि आप ऐसे अपनी अपनी बीमारी कागज पर लिख लो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज का इंसान जो है वो चिंताओं में ही अपनी चिता लगा लेता है। लेकिन आसमान का खुदा बोलता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। आप देख सकते हैं जब वो आकाश के पक्षियों से प्यार करता है कि ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना उनको कोई भंडार है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको खाने को देता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जब मैं पक्षियों को खाने को दे रहा हूँ, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम्हें खाने को नहीं दूंगा क्या? आपको परमेश्वर प्यार करता है, उसने बुलाया है आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग दूत आया है एक दिन में। परमेश्वर हमें एक दिन की ताकत देता है, आपको आंखों में ताकत है, एक दिन की ताकत दी है। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अगर आपको हाथ में ताकत मिली है थोड़ी देर के लिए, आपको एक दिन की ताकत मिली है, आपको टांगों में ताकत मिली है, आपके दिमाग में ताकत मिली है, सोचने की भी ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा सोचते हैं तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। परमेश्वर बोलता है कि ऐ बोझ से दबे हारे लोगो, ऐ चिंता करने वाले लोगो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी सोचों को, अपने विचारों को छोड़कर आज परमेश्वर के पास आए। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, वो सच्चे बादशाह से हो सकता है, उसका नाम यीशु। हमारी बहन यूके से आई है, इंग्लैंड से, और इनका नाम निर्मल है। और एक ऐसी प्रॉब्लम इसको हो गया था, जब मैं इंग्लैंड में गया, मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार किया, हम इसके मुंह से सुनेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम था, रिपोर्ट में भी आ गया था, लेकिन उसके बाद आप सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। हेलो सबको, जय मसीह दी। मेरे को जिदा थायराइड सीगा, जिदा मेरा ऑपरेशन भी होया हुआ थायराइड दा, जिदा डॉक्टर ने थायराइड तो बाद ऑपरेशन तो बाद बोला सी जिदा सारी लाइफ तुसी दवा खानी आ। ते उते पास्टर जी जदों लास्ट ईयर आए थे जुलाई दे विच, इन्हां ने एक मीटिंग ते बोला सी कि जिन्हां नूं भी थायराइड आ जाओ जाके रिपोर्ट कराओ, तुहाडी रिपोर्ट नॉर्मल आऊगी। फिर मैं 5-6 महीने दवा छड्ड के मैं रिपोर्ट कराई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैं हुण कोई दवा नहीं खांदी। हालेलुया, खानी पड़ेगी। लेकिन जब ये रिपोर्ट लेकर गई तो डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो गया? जो काम डॉक्टर से नहीं हो सकता वो यीशु से हो सकता है। आइए सब हाथ उठाएं स्वर की ओर। आपको सुनना चाहता है, जैसे हिरनी पानी क
चाहते कि आज पवित्र आत्मा को छुए। अगर आज आप चाहते हैं पवित्र आत्मा छुए, वो छूना चाहता है, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जोश होना चाहिए। ये इधर मेरी तरफ मुकरे, मेरी तरफ मुकरे, मेरी तरफ मुकरे, अभी पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है। हालेलुया, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है। हाथों को उठा ले। हालेलुया, सर बोले हालेलुया, सर बोले हालेलुया, सर बोले हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं चल रहा हूँ, पतरस जब चलता था और जब उसकी परछाई पड़ती थी, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की छाया से मरियम गर्भवती हो गई, और आज जिसके ऊपर छाया पड़ रही है, यहाँ पर पवित्र आत्मा की छाया से आप आशीषित हो रहे हैं। यीशु के नाम में आप हर एक जन आशीषित हो रहे हैं। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। आप लेना चाहते हैं अनॉइंटिंग को, आप लेना चाहते हैं अनॉइंटिंग को, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, पीछे तक। हालेलुया, आप तैयार हैं, आंधी अनॉइंटिंग लेने के लिए तैयार हैं। आपको कूदना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो भी चाहिए आज यीशु मसीह से मांग लो, बोलो कि यीशु आज हमें अपनी आशीष चाहिए, आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया, ये भारी अभिषेक है, ये भारी अभिषेक है, ये भारी अभिषेक है।
आत्मा की आशीष आपके ऊपर आई है, ताड़ी बजा देंगे यीशु के लिए। अभी आप अपने आप को चेक करेंगे, व्हील चेयर से खड़ा हो गया कोई, गहरे सुनने लगे हैं,
गूंगे बोलने लगे हैं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, ये यहोवा है, ये यहोवा है, ये यहोवा है। इधर देखेंगे मेरी तरफ, परमेश्वर है और वो आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, ताड़ी बजा दें यीशु मसीह के लिए। तेरे जीवन में एक नया काम कर रही है, नया काम कर रही है, देख रा 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 रा। तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। इतना ही नहीं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना टावर नंबर भी दिए गए हैं। इन नंबर पर फोन कर आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रार्थना टावर नंबर है 900072। उनकी प्रार्थना को देखने और सुनने के लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बज के लिए।